संजीवनी बूटी वो जड़ी बूटी थी जिसने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लेकिन लगता है कि यही संजीवनी थी जो डॉक्टर सिड के भी प्राण संभाले बैठी है। जी हाँ, आज सीरियल संजीवनी में आखिरकार इस राज से पर्दा उठ ही जाएगा कि डॉक्टर ईशानी को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी डॉक्टर सिड की जान बचाने के लिए। प्यार को बचाने की कीमत चुका रही है ईशानी। अब डॉक्टर सिंह के कब्जे में डॉक्टर सिद्ध है और सिद्ध को बचाने के लिए ईशानी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, चाहे उसे डॉक्टर सिंह के हाथों अपना श्रृंगार ही क्यों ना करवाना पड़े। अब देखिए ना, डॉक्टर सिंह अपने आस पड़ोस की महिलाओं की बातों में आकर कैसे ईशानी को सजा रहे हैं। कुछ वो आसपास की पड़ोसी आंटियाँ आ जाती हैं, फिर उन लोग को मेरे को सजा हुआ देखना है, तो अब ये सब हो रहा है, चूड़ियाँ, बिंदी, मंगलसूत्र जैसे ही लगने वाला होता है क्योंकि डॉक्टर सिड मेरे सामने ही है, एंड ऑफ कोर्स मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं यार। लेकिन ईशानी चुपचाप डॉक्टर सिंह के हाथों तैयार होती रही और ईशानी ने ये बस तब तक ही जारी रखा जब तक मंगलसूत्र की बारी आई, क्योंकि जैसे ही मंगलसूत्र ईशानी के सामने आया ईशानी को डॉक्टर सिद्ध की याद आई और फिर क्या, मंगलसूत्र पहनने से पहले ही ईशानी वहाँ से उठकर चली गई। अब इसका अंजाम ईशानी को क्या भुगतना पड़ेगा वो तो भगवान ही जाने। एवरी टाइम उसको वो सारी चीज़ें याद आ जाती है बिकॉज ईशानी अपने माँ पापा के बगैर यू नो इंडिपेंडेंट रही है, रेज हुई है, द ओनली पर्सन शी लव्ड। वैसे डॉक्टर सिंह के हाथों तैयार होने वाले ड्रामे से पहले ईशानी की मुलाकात डॉक्टर सिड से अकेले में भी हुई और ये अकेले वाली मुलाकात ने ईशानी के मन में शायद एक उम्मीद जगा दी है, क्योंकि डॉक्टर सिड भले ही कोमा में हो लेकिन उनके प्यार ने ईशानी को रोक ही लिया। इतना प्यार करता है कि आई गेस वो इट्स अ मोमेंट कि वहाँ पे ऐसा लगा कि उसको कि मैंने उसका हाथ पकड़ा है, पर वो इट्स बेसिकली इट्स अ सेमी कॉन्शियस स्टेट जहाँ पे वो हाथ स्लिप होता है और उसको टच होता है, तो आई मीन ऑब्वियसली बिल्डअप करने के लिए, बट ऑब्वियसली धीरे धीरे करके मैं होश में आने वाला हूँ। जब उठेंगे तब उठेंगे, बट मुझे चाहिए कि वो उठ जाएं। एक तरफ सेट पर इमोशनल सीन्स चल रहे थे तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सब क्रिकेट देखने में गुम थे और क्रिकेट को खूब एंजॉय कर रहे थे। कुछ ऐसा ही था पर्दे के पीछे का नजारा। मैच जब आता है तो कल भी डे बिफोर यस्टरडे आल्सो वो एक एक्स्ट्रा ओवर जो सुपर ओवर, ओ माय गॉड व्हाट एक्साइटमेंट, आई थिंक एवरीबॉडी स्टॉप, हम लोग यहीं पे देख रहे थे और आज भी वही हुआ। वो कॉमन जो हमारे चीज़ें जो अच्छी लगती है ना वो पकड़ के साथ में एंजॉय कर पाते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।